आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, ये पत्र आपको लिखते हुए बहुत सारी बातें व यादें मन में आ रही हैं। आज आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुषबाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है, पर चुप रहना असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी, आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने ACB को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। यह बात आपने कई PAC के साथियों को बताई भी और उन साथियों ने मुझे फोन करके बताया। आज सब लोग चुप हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूँ एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे, अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे, खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। CBI को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं, लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूँ, आपसे सीखा है, यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु के तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। हाँ, एक बात और, मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। विप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की। आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और जनता के साथ का आपको भरोसा है तो अपनी नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ लीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। एक बात और, कल शाम से अब तक 211 शिकायतें पार्टी और सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मुझ तक पहुंची हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों में पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। देश का भरोसा तोड़ा है आपने और आपके साथ के 4-5 साथियों ने मिलकर। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूँ, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूँ, पर अड़ा हूँ और डटा हूँ। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। आज आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता हूँ। आपके जवाब का इंतजार है। आपका कपिल मिश्रा। थैंक यू। जिनसे भ्रष्टाचार से लड़ना सीखा है, आज उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ। एक तरह से मेरे भगवान, मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन सारी शक्ति, सारी सेना, सारी सरकार, सारा पैसा लेकर वो एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ मैं अकेला हूँ। मैं किसको याद करूं?
मैं उन्हीं से आशीर्वाद भी मांग रहा हूं और उन्हीं से माफी भी मांग रहा हूं, लेकिन इस लड़ाई में अड़ा रहूंगा और डटा रहूंगा। सर, आपको लग रहा है कि आपका एविडेंस तो था, आपको क्या लगता है कि आपके पास एविडेंस था, जो आपके पास एविडेंस था, आपको लगता है अब कि आपने जो करा है दिल में आपको सही लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि एविडेंस आपके पास शायद कम था? जब मेरे पास सब कुछ है, अरविंद केजरीवाल जी को अभी मालूम ही नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है, वो मैं सीबीआई को बताऊंगा, इसीलिए वो हबड़ तबड़ में सीसीटीवी कैमरा टाइमिंग मेरे से कुछ निकलवा लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से चाहते हैं कि मैं कुछ बोल दूं और वो उसका कुछ कर दे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को 15 सालों से जानता हूं, मेरे को मालूम है उनकी एक एक कदम किस प्रकार से करते हैं, और इसीलिए मैं अभी तक एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। जांच में सारी चीजें सामने आएंगी। सर, एक चीज पकड़ी जाएगी, एसीबी को क्यों नहीं ये चीजें बताई, एविडेंस दिखाया? एसीबी के अंदर ऑलरेडी टैंकर स्कैम की जांच चल रही है, इसीलिए टैंकर स्कैम के जो तथ्य हैं वो एसीबी को देने गया हूँ। उसके अलावा भ्रष्टाचार के जितने मामले मेरे सामने आ रहे हैं वो सारे में सीबीआई को। केजरीवाल जी के बारे में आपने कहा था कि आप एसीबी को बोलेंगे, दिया है ना कल एसीबी को, केजरीवाल जी के बारे में ही दिया है टैंकर स्कैम में उनके रोल के बारे में, और सीबीआई वाली बात सीबीआई को। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सत्येंद्र जैन बहुत पैसे वाले आदमी है, अरबपति है, उनके पास बहुत पैसा है, वो कोर्ट जा सकते हैं, वकील कर सकते हैं। मेरे पास वकील करने का पैसा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल एक भी पैसा नहीं है वकील करने का। मैं सीबीआई की जांच कराऊंगा। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी आदमी के खिलाफ सीबीआई जांच करे और वो ही आदमी मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करे। आज से पहले अरविंद केजरीवाल जी जो करते थे वो मैं कर रहा हूँ, और नितिन गडकरी, अरुण जेटली और कपिल सिब्बल जो करते थे कि मानहानि का मुकदमा कर दिया, कोर्ट में लेके चले गए, आज वो करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। कपिल, आज विधानसभा का सत्र, आज सत्र में जाएंगे? पहले तो मैं सीबीआई के दफ्तर जाऊंगा, सीबीआई के दफ्तर में अपनी बात रखने के बाद उसके बाद अगर समय होता है तो सत्र में भी। कभी नहीं बताइए कि हर जगह ये बोला जा रहा है कि एविडेंस नहीं है आपके पास, आप जो बोल रहे हैं वो जो बातें कर रहे हैं उसका कोई सबूत आपके पास नहीं, अगर होता तो आप मीडिया के सामने रखते, यही आप बात कह रहे हैं? यही अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं सारी चीजें मीडिया के सामने रख दूं। उसमें प्रॉब्लम क्या है जब आप सारा कुछ बता रहे हैं? सीबीआई की जांच में प्रॉब्लम क्या है, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ। जब किसी चीज की जांच होती है, मैंने जो एविडेंस पब्लिक में रखे जाने चाहिए जिसके कारण जांच प्रभावित नहीं होगी वो खुलकर रखे हैं, और जो एविडेंस कोर्ट में जाएंगे, जो एविडेंस सीबीआई में जाएंगे, जिन एविडेंस को मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, वो एविडेंस में नहीं रखे।